जय अवधूत। टेक्नोलॉजी माध्यम थी सद्गुरुदेव विचार गंगा लाभ अपने सब कोई ले रहा है। आने आ रीते आप आध्यात्मिक सफर में आग बढ़ी रहा है। आज श्रद्धामय पुरुषार्थ नव अंक आ गयो है, तो पूज्यश्री ने नम्र विनंती है तेना दर्शन करावे। अपना सौनू मानीतू एवं श्रद्धामय पुरुषार्थन लवाजम जो करवा बाकी हो तो वेली तके अपना वॉलेंटियर मित्र ने अवश्य जमा करी दे। फक्त 100 रुपया आपने आपू लवाजम रिन्यू करी सको। साचे विविध ज्ञान सबर महितियों भंडार एट्ले श्रद्धामय पुरुषार्थ। तो सौ नाथ भक्त ने फरी एक बार नम्र विनंती है, जो लवाजम भरवा बाकी हो तो वॉलेंटियर मित्र आपना घरे आवे तेरे 100 रुपया आपने पोतानू लवाजम अवश्य जमा करावे। बीजी एक खास जाहरात, आपणा नवनाथ धाम तरफ थी एक नवल नजराणू एटले के स्टेन्डिंग कैलेंडर बहार पाड़वामां आव्युं छे, तो पूज्यश्री ने नम्र विनंती छे के तेनू अनावरण करे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। एक सुंदर मजानू स्टेन्डिंग कैलेंडर अपना सौ माटे नवनाथ धाम तरफ थी आपवामां आव्युं छे। तमे तेने घरे राखी सको छो, ऑफिसे राखी सको छो। फक्त 150 रुपया आपीने आ कैलेंडर तमे अवश्य मेळवी सको छो। आपणा ऑफिसना स्टॉल उपरथी तमे मेळवी सको छो। आपना सत्संग मंडळना कार्यकर्ता द्वारा पण तमे आ कैलेंडर अवश्य मेळवी सको छो। साचे ज सौए पोताना घरे राखवा जेवू, वसावा जेवू, भेट तरीके आपवा जेवू आ स्टेन्डिंग कैलेंडर छे। तमे अवश्य वेली तके तेने मेळवी लेशो। आपणा नवनाथ धाममां विविध सेवाकीय प्रवृत्तिओ अवारनवार थती रहे छे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जेवा के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अने व्हाट्सएप उपर एना लगती तमाम माहितीओ आपवामां आवे छे। तो तमाम नाथ भक्तोने नम्र विनंती छे आ माहितीओ अवश्य वधुमां वधु शेर करे। पूज्यश्रीना वीडियो लाइव मूकवामां आवे छे, यूट्यूब पर पण छे, फेसबुक पर पण छे, तो तेने वधुमां वधु वार जुए अने वधुमां वधु वार शेर करे। बीजी एक अगत्यनी जाहेरात, 29 ડિસેમ્બર અને મંગળવારે દત્ત જયંતિ આવે છે, પરંતુ હાલમાં સરકારશ્રીની કોઈ નવી SOP આવી નથી, તો દત્ત જયંતિ અંગેની માહિતી આવતા ગુરુવારે આપવામાં આવશે। બીજી કોરોના મહામારી અત્યારે ચાલે છે, તો સૌ નાથ ભક્તો તકેદારી રાખે, માસ્ક અવશ્ય પહેરે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરે, હાથને વારંવાર ધોતા રહે અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી ભીડભાડમાં જવાનું ટાળવું। વિશેષમાં આજનો ભંડારો લક્ષ્મીબેન શાંતિલાલ મૈસુરિયા નવસારી તરફથી છે। સદગુરુદેવ તેમને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આપે એવી અભ્યર્થના। ફરી એકવાર સૌનાથ ભક્તોને નમ્ર વિનંતી છે કે સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડરનું આજે અનાવરણ થયું છે, તો વહેલી તકે તે અવશ્ય ઓફિસમાંથી મેળવી લે। તો હવે આજના પાવનદિને પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે પોતાની દિવ્ય વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે। જય અવધૂત। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ज्ञानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये
नमस्तस्ये नमो नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री सानिनाथ गुरु मच्छिन्द्रनाथ की जय। आनंदी लाल की जय। छोटे दादा की जय। यही हम सबके हृदय में परम शक्ति स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे साक्षात प्रणाम एवं जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आज की विचार गंगा का श्रवण कर रहे हैं, हर गुरुवार के गुरु मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। जपो नाम नवनाथ का, राखो दृढ़ विश्वास। अनुभव से दादा नाथ कहे, हो जाए पाप का नाश। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज की ये विचार गंगा पूरे एक हफ्ते के स्मरण से, एक हफ्ते के चिंतन से और सद्गुरु ने दिए हुए गुरु मंत्र जप के अनुसंधान से मेरे अंतकरण से विचारों के माध्यम से आप तक पहुंची है। और यहां कहने का मेरा अर्थ यही है कि जीवन में हमें प्रभु नाम का, हमारे इष्ट देवता के नाम का या फिर गुरु मंत्र के नाम का जप करते रहना चाहिए। यह विचार गंगा एक ऐसा मंथन है, या आप समझिए कि एक ऐसा नवनीत है, एक ऐसा मक्खन है जो मैं मेरे चिंतन और स्मरण के द्वारा आप तक पहुंचा रहा हूं। आज के युग में कई अध्यात्म मार्गी संप्रदाय आपको विविध प्रकार की प्रक्रिया बताएंगे, आपको ध्यान योग के ऊपर ले जाएंगे, आपको क्रिया योग के ऊपर ले जाएंगे, आपको मंत्र तंत्र की साधना के ऊपर ले जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए कई बातें भी बताई जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब योग्य तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक क्या है। जीवन में हमें जो योग्य लगे हम करते हैं, परमात्मा ने जो भी हमें मार्ग दिए हैं वो योग्य ही होते हैं, शास्त्रों के सिद्धांत भी योग्य होते हैं, वेदों में किए गए आदेश, किए गए उपदेश, ये सब भी योग्य ही होते हैं, हमें दिए जाने वाले संस्कार भी योग्य होते हैं, यानी योग्य सब कुछ है। मगर आज के जीवन में आवश्यक क्या है, आज के जीवन में अनिवार्य क्या है। हमारे आज के आधुनिक युग में हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी प्रकार के योग आवश्यक है, योग्य है, लेकिन आज के जीवन में अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है, किसी मार्ग की आवश्यकता है, तो वो मार्ग है जप। क्योंकि इष्ट देवता का जप करने से, इष्ट देवता के नाम का सुमिरन करने से हमारे जीवन की चिंता नष्ट हो जाती है, हमारा जीवन उग्रता से मुक्त हो जाता है, हमारा मन
कष्टदायी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। हमें सकारात्मक विचार मंत्र जाप से प्राप्त होते हैं, और सबसे महत्व कि हमारे अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। और जप योग ये आज के आधुनिक युग में सबसे सरल भी है, सबसे सुलभ भी है, और कहा जाए तो सबसे प्रायोगिक भी है। क्योंकि आज हम सब कहते हैं कि वो इतने दौड़ते भागते युग में, जहां प्रति मिनट हमें हमारे जीवन के निर्भरता के लिए संघर्ष करना है, पैसे कमाने हैं, परिवार के लिए कुछ करना है, तो ऐसे भाग और दौड़ वाले युग में हमारे पास टाइम कहाँ है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आज के जीवन में, आज के युग में पैसे से भी महत्व समय का होता है। हमारे पास सब कुछ है मगर समय कहाँ है। आपको कोई कुछ भी करने के लिए कहेगा तो आप यही कहेंगे कि हफ्ता भर दौड़ते हैं, एक दिन में छुट्टी मिलती है, घर के साथ हम समय बिताते हैं, तो ये सब करने के लिए समय कहाँ है। तो एक बात यहां निश्चित होती है कि आज के जीवन में धन से भी ज्यादा, प्रतिष्ठा से भी ज्यादा, संबंधों से भी ज्यादा हमें समय का महत्व है, हमें टाइम का महत्व है। और इसलिए आप देखिए कि हमारे पूरे जीवन में टाइम टू टाइम हम सब करते हैं, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर हमारे रोजगार के लिए, नौकरी धंधे के लिए निकल जाना, बाकी के दिनों में जो भी कुछ हम प्रोग्राम तय करते हैं वो भी छुट्टियों के समय में करते हैं, सब समय समय पे होता है। और हम जो काम करते हैं और काम करने के बाद जो हमें दिन का पैसा मिलता है या एक महीने के बाद जो हमें तनख्वाह मिलती है, ये बोले पैसे के रूप में मिलती हो, लेकिन एक महीने में जो आप काम करते हैं वो पैसा आपको घंटों के हिसाब से, समय के हिसाब से मिलता है कि मैंने एक दिन में 8 घंटे काम किए, 8 घंटे मैंने ड्यूटी की, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी की, उसका पगार आपको मिलता है। तो आप सोचिए आज के आधुनिक युग में सबसे ज्यादा महत्व समय का है। ध्यान करने के लिए आपके पास समय चाहिए, क्रिया योग की साधना करने के लिए आपके पास समय, योग्य स्थान, योग्य आचार व्यवहार, आहार सब चाहिए। मंत्र तंत्र साधना करने के लिए हमें ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है, हमें वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, हमें समय की आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में आगे बढ़ने के लिए, उसमें विश्वास रखने के लिए, उसमें बताए हुए जो उपचार है वो सब हमें करने पड़ते हैं। यानी सबके लिए एक अलग समय चाहिए, लेकिन जहां जप योग का सवाल है, जहां सुमिरन का सवाल है, जहां सिमरन का सवाल है, वहां स्मरण करने के लिए, जप करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे कहा गया है कि परमात्मा का नाम तो सभी प्रकार की उपाधियों से मुक्त है, उसे आप उठते, बैठते, सोते, खाते, पीते, चलते आप बोल ही सकते हो, आप आपके काम करते करते भी आप बोल सकते हो।
हाँ, जप में साथ आप माला रखो तो ये शास्त्र हो जाता है, ये कर्मकांड हो जाता है। जप के साथ आप आसन रखो, ये शास्त्र कर्मकांड हो जाता है। लेकिन जप का मुख्य इंटेंस तो यही है कि आप मन से बोले, मुंह से बोले, विचारों से बोले। मुंह से नहीं बोलेंगे और माया माला घुमाते रहेंगे, ये कोई जप नहीं होता। आप किसी आसन के ऊपर बैठ के बोलेंगे लेकिन अगर मन से नहीं बोलेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, कुछ और विचारों में जाएंगे, तो आसनों पर बैठ के बैठने का जप, ये कोई जप नहीं होता। जप का मूल सिद्धांत तो यही है कि आप बोले, आप मन में बोले, आप जोर से बोले, आप सुने और आप बोले, प्रति मिनट बोले, जब आपका मन चाहे तब बोले। तो आज के समय में सबसे सुलभ, सबसे सस्ता और उपयोगी अगर कोई उपाय है तो वो है जप। इसलिए जप योग के ऊपर, मंत्र स्मरण के ऊपर, मंत्र साधना के ऊपर, नाम साधना के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा महत्व देता हूं। क्या बोलते रहे, कोई भी काम करते हो फिर भी आप अपने मन से बोलते रहे। कभी कभी बोलने के समय पे आपका मन जप करते करते रुक जाए, कोई बात नहीं, जैसे आपको स्मरण हो वैसे आप बोलते रहे। प्रति मिनट, प्रति घंटे, प्रति पढ़ या प्रति प्रहर, आठों प्रहर में प्रति प्रहर आप बोलते रहे, तो ये सहज योग, सहज जप योग, ये आपके जीवन को सभी चिंताओं से मुक्त करता है। इसलिए आज के जीवन के लिए अगर कोई उपयोगी है, आज के युग के लिए अगर कोई आवश्यक है, तो वो होता है इष्ट देवता के नाम का जप। जप अनेक मंत्रों का होता है, जप अनेक नामों का होता है, लेकिन सबसे उपयोगी गुरु के मुख से मिला हुआ मंत्र होता है। इसलिए कहा जाता है कि कई मंत्र ऐसे हैं जिसमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप उसे बोल सकते हो। कई नाम ऐसे हैं जो स्वतः सिद्ध है, उसे आप बोल सकते हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम, श्री राम का नाम आप बोल सकते हो, आद्य शक्ति का नाम आप बोल सकते हो। ये ऐसे नाम है या ऐसे शब्द है जिसमें अनंत कालों से शक्ति समाई है, या जिसकी शक्ति से यह पूरे युग की उत्पत्ति है। उस नाम के पीछे एक प्रखर चरित्र है, और ऐसे जो भी नाम है, ऐसे जो भी अवतार है, उसके नाम आप बिना गुरु से लिए भी बोल सकते हो। लेकिन कई मंत्र ऐसे हैं, क्योंकि गुरु जो मुख से देता है वो मंत्र होता है। सदगुरु अपने मुख से आपको जो दे वो मंत्र है, ग्रंथ आपको जो दे वो श्लोक है, वेद आपको जो दे वो आदेश है, ऐसा आदेशा ऐसा उपदेशा, कि वेद में जो जो भी कहा गया है ये आदेश है, ये उपदेश है। उसे जीवन में उतार के उसे आचरण करना है, भले आप उसका रटन न करो लेकिन उसका आचरण करना है। यानी वेद में दी गई सब बातें ये आदेश,
शास्त्रों और ग्रंथों में जो कुछ मंत्र बताए हैं, ये सब श्लोक भगवान के जितने अवतार हो गए हैं उनके नाम, यानी ब्रह्म शब्द जहां जहां ओंकार है वहां नाद ब्रह्म है, वहां नाद शब्द। लेकिन जो गुरु के मुख से आता है, जो सदगुरु के मुख से आता है, उसके मंथन से जो आपको मिलता है उसे मंत्र कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य, कि गुरु का प्रत्येक वाक्य एक मंत्र है और उस वाक्य को आप जितना स्मरते जाओ, जितना सुमिरन करते जाओ, वो आपके जीवन को दुखों के सामने की लड़ने की शक्ति देता है। आपके जीवन के ऊपर आपका ध्यान स्वयं अपने आप आपके ऊपर आ जाता है, यानी ध्यान परमात्मा के करने की जरूरत नहीं, गुरु ने दिया हुआ मंत्र बोलते बोलते ध्यान आप आपके ऊपर करें। परमात्मा हमें हमारे भीतर से मिलता है और इसीलिए संत कबीर जी ने भी कहा है कि भीतर के राम को जान के बाकी शब्दों बहाई, भीतर के राम को जान के बाकी शब्दों बहाई, जप तप व्रत साधना सब गुरु में समाए। कि अपने अंदर परमात्मा है उसे जानते हुए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने आप पे ध्यान रखते हुए जो वाक्य गुरु के मुख से निकला है उसको जपो, उसको बोलो, समझो या ना समझो लेकिन बोलो। अगर बोलते भी जाएंगे तो जप तप व्रत सब उसके वाक्य में समा जाता है, उसे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कबीर जी ने कहा है, ज्ञान मार्ग की भूमिका जिसकी रही, जिन्होंने अपने दोहों के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी रमोनी के द्वारा इस पूरे जगत को ज्ञान दिया, वह संत कबीर जी कहते हैं कि सब गुरु में समाए, उसके वाक्य में सब समाए। तो यहां से भी हमें समझना चाहिए कि यह अनुभव की वाणी है, कबीर वाणी यह अनुभव की वाणी है। पर यह अनुभव की वाणी यह कहती है कि गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य, सदगुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य, यह वाक्य मंत्र होता है। यह मंत्र का जाप करते करते आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। यानी कई लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो हम पे ध्यान रखता है। हमारा ध्यान हमें अपने ऊपर करना चाहिए। परमात्मा का ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर ध्यान रखने से सब होगा, क्योंकि हमारा ख्याल परमात्मा रखता है, वो हमारे भीतर बैठा है। हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा आचरण सुधरेगा, हमारा विचार सुधरेंगे, हमारा जीवन बदलेगा। कुछ सुधार करना है तो खुद में करना है, प्रगति करनी है, विकसित होना है तो हमें खुद को होना है, आगे बढ़ना है हमें खुद बनना है। सूर्य तो पूरी दुनिया को किरण देता है, आप उसकी से और देखो ना देखो उसे फर्क नहीं पड़ता। सूर्य के प्रकाश में जो तत्व होता है वो हम सबको मिलता है, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम 24 घंटे उसको देखते रहे। हाँ, जरूरत उतनी है
कि हम हमारी खिड़की खुली रखें। जरूरत इतनी है कि हम उसके सानिध्य में आ जाए, उसके आंगन में आ जाए। जैसे उसके आंगन में आप आ गए, सूर्य का प्रकाश, उसकी किरणें आपको मिलती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें आंगन में आना है, हमें ध्यान रखना है हमारी खिड़की हमें खुली रखनी है, हमें ध्यान रखना है कि हम उसकी निश्रा में रहे, और यह ध्यान रखते हुए हमें हमारे काम करने हैं। यानी अध्यात्म मार्ग कर्म को रोकता नहीं है, कर्म को कराता है, कर्म को सक्रिय करने वाला मार्ग है वो अध्यात्म है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू मेरा चिंतन कर, तेरी चिंता मैं करूंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तू चिंतन कर, मैं जो कहता हूं वो कर, वो तू चिंतन कर, मैंने जो जो कहा है उसका तू चिंतन कर, तेरी चिंता मैं करूंगा। तो यहां से आप समझिए कि मेडिटेशन में हमें हम पे ध्यान रखना है, बिना मंत्र के ध्यान नहीं होगा, बिना मंत्र के साधना नहीं होगी। हमें हम पे ध्यान रखना है, हमारी प्रवृत्तियों पर हमें ध्यान रखना है, और इसलिए शास्त्रों का वचन है कि जप का अर्थ क्या है। तो जकार जन्म विच्छेद, पकार पाप नाशक, कि ज जो है वो जन्म का विच्छेद करता है, और प जो है वो पाप नाशक है। अब यहां आप सोचिए कि जन्म का विच्छेद करना और पाप का नाश करना, यानी जन्म का विच्छेद, हमने जन्म लिया ये कौन सा पाप कि उसका विच्छेद हो जाए, उसका विनाश हो जाए। तो जन्म का विनाश के अर्थ, जन्म का विनाश का अर्थ है हमारे अंदर जन्मने वाले पापों का नाश करने वाला जो शब्द है, पापों के नाश करने वाली जो प्रक्रिया है, उसे जप कहा जाता है। अब देखिए, पाप हमारे अंदर जन्मता है, जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे अंदर जन्मती है, विचार हमारे अंदर जन्मते हैं। यानी जन्म का विच्छेद का अर्थ होता है हमारे अंदर से जन्मने वाले पाप को जन्म लेते ही उसका नाश कर देना। ऐसी जो क्रिया है वो है जप। अभी हम सोचेंगे कि पाप कैसे जन्मता है। अब देखिए, हमारे अंदर से पाप बाहर से जन्मता है। हम आंखों से बाहर देखेंगे, वहां जो कुछ देखेंगे वो हमारे अंदर जन्मेगा। हम कान से जो कुछ सुनेंगे हमारे अंदर जन्मेगा। हम जिस जीभ से जो कुछ चाखेंगे वो हमारे अंदर जन्मेगा। यानी इंद्रियों के संयोग से जो सुख जो दुख का अनुभव जन्मता है, जो भौतिक सुख और दुख का अनुभव जन्मता है, वो पाप होता है, पाप बनता है। इसलिए आप देखिए कि आज के समय में मोबाइल का उपयोग दोनों तरह से होता है, उसमें अच्छी भी चीजें होती है, बुरी भी चीजें होती है। जब उसमें हम कुछ गलत देखते हैं जो हमें पता नहीं, फिर भी वो अगर देखते हैं तो वो देखने के बाद वैसा करने की हमें इच्छा होती है। तो पाप कहां से जन्मता है? आंखों के द्वारा प्रवेश करता है और उसका बीजारोपण हमारे मन में हो जाता है, और हमारे मन में जो बीज बो जाता है वो ज्यादा उसको स्मरण करने से बाद में वो जन्म लेता है। यानी जो आप देखते हो
आपके मन की भूमिका में जब वो चला जाता है, उसको बार बार जपने से, सोचने से, उसके ऊपर बार बार विचार करने से वो अंदर से जन्मता है। चोरी होती है, बलात्कार होता है, भ्रष्टाचार होता है, खून होते हैं, डकैतियां होती है, व्यसन हम करते हैं, ये सब बाहर के द्वारा हमारे अंदर की मन की भूमिका में उसका बीजारोपण होता है। और बार बार उसको सोचने से, बार बार उसका चिंतन करने से, उसी खराब वस्तु का बार बार जप करने से हमारे अंदर से वो प्रवृत्ति जन्म लेती है। और इसलिए कहा गया कि जन्मते ही जिसका विच्छेद कर देने की जो क्रिया है वो है जप। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे नाथ संप्रदाय में चौरंगी नाथ को जब किसी गुफा में तपाचरण के लिए गोरक्षनाथ ने बिठा दिया, तो गोरक्षनाथ ने उसके माथे के ऊपर एक अद्दर शिला रखी और उसे कहा कि ये मैं तुम्हें कान में मंत्र देता हूं, कान में जो मंत्र दिया है उसका स्मरण करना, मुझसे बोलते रहना, मंत्र बंद नहीं होना चाहिए, और तुम्हारी दृष्टि ये शिला के ऊपर रखना। अगर मंत्र बंद हुआ, ध्यान कहीं भटका, नजर चूकी, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, नजर चूकी, शिला गिरेगी तुम्हारे माथे पे, मोक्ष लेने के लिए जा रहे हो, मृत्यु हो जाएगा। तो आप सोचिए, हमने पढ़ा है, पढ़ लिया, लेकिन उसके ऊपर विचार करो कि गोरक्षनाथ ने कहा ये शिला तुम्हारे माथे के ऊपर मैंने अधर लटकाई है, हवा के अंदर है, इसे देखते रहना, कान में मंत्र देता हूं उसे मुंह से जपते रहना, जैसे मंत्र बंद होगा, नजर हटेगी, शिला गिरेगी, मृत्यु हो जाएगी। उसके हाथ पैर तो दोनों पहले से कटे थे, उसको वहां बिठाया था तो भागने का तो डर नहीं था, तो शरीर से भाग नहीं सकता था, लेकिन मन से भाग जाए इसीलिए उसे खुली आंखों का ध्यान दिया, कान में मंत्र मिला, कुंडलिनी जागरण हुई। कुंडलिनी जागरण हुई, मंत्र के ऊपर ध्यान चालू हुआ, अपने आप का ध्यान था ये कि मैं देख रहा हूं गिर न जाए, मैं कहीं गिर न जाऊं, मैं कहीं गिर न जाऊं, ये मंत्र चालू था, एकाक्षरी मंत्र था, जपना चालू था। गोरक्षनाथ ने सामने प्रलोभन भी रखा कि समय समय पर खाना मिलता रहेगा, फलाहार आता रहेगा, भोजन की इच्छा तो खा लेना, जप बंद नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए ये गोरख नीति कि चामुंडा आती थी, सामने फलाहार रख देती थी, अच्छे अच्छे फल, रस वाले फल रखती थी, भूख लगे तो खा लेना, पानी भी रखती थी, प्यास लगे तो पी लेना, गोरखनाथ सबका था, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, जब बंद नहीं होना चाहिए, नजर हटनी नहीं चाहिए। अब आप सोचिए कि फल खाने की इच्छा हुई, बोलते बोलते फल लेने गया, हाथ तो थे नहीं, मुंह से फल लेने गया, नजर चूकती है, मंत्र बंद होता है, और मंत्र बंद हुई, दुर्घटना घटी। आप सोचे गोरखनाथ ने सब रख दिया, सब सुख सामने रखे, लेकिन उसे कहा अपना चित मंत्र में रखना, अपना स्मरण मंत्र में रखना। और 12 साल चौरंगीनाथ के वहां निकल गए, गोरखनाथ आए, देखा सब वैसे का वैसा था, और बाद में उनके जीवन का, चौरंगीनाथ के जीवन का साक्षात्कार हुआ, ये सिद्ध योगी बने। अब आप सोचिए कि बिना मंत्र के ध्यान कैसे हो सकता है, बिना गुरु के ध्यान कैसे हो सकता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि परमात्मा का करे, ध्यान का अर्थ यह है आपका रखे,
मंत्र का स्मरण करते जाए, नज़र आपकी ओर रखे कि कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं मैं चूक न जाऊं, कहीं मेरा स्खलन न हो जाए, कहीं मेरा आचार विचार बदल न जाए। मंत्र बोलते रहे लेकिन अपने आप पे ध्यान रखे, क्योंकि हम मंत्र बोलते हुए हमारे अंदर के जो वाइब्रेशन है हमारे अंतकरण को शुद्ध करेंगे। पाप जहां जन्मता है वो पाप की जो भूमि है मन, पाप का जो द्वार है आंख कान, हमारा मुंह हमारा नाक, ये जो पाप के द्वार है, हमारी दोनों गुप्तेंद्रियां मलमार्ग और मूत्र मार्ग, हमारी त्वचा, त्वचा के स्पर्श से भी मन में उत्तेजना पैदा होती है। आंखों से अच्छा भी देखो वो भी अंदर भी की भूमिका में बनता है, बुरा देखो तो वो भी बनता है, लेकिन ज्यादातर इस जीवन में बुरा ही मिलता है। कोई ऐसा कह सकता है कि पूरे जीवन में हमने अच्छा ही लिया? आपकी नजरों के सामने बहुत कुछ बुरा होता है, आपसे कानों से आप बहुत कुछ बुरा सुनते हो, जो सुनते हो वो विचार वही आप करते हो, देखते नहीं वो करते हो। आपकी जीभ को काफी स्वाद लगा है, बोलने का स्वाद भी है और खाना खाने का स्वाद भी, यानी 10 प्रकार के पाप कहे हैं। ये सभी प्रकार के पाप बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, मन की भूमिका में चले जाते हैं, और वहां जब उसका स्मरण बार बार हो बार बार हो बार बार हो तो वहां से वह पाप की प्रवृत्ति शुरू होती है। रावण के अंदर पाप की प्रवृत्ति सीता को देख के हुई, और वो प्रवृत्ति जब हुई तो वो साधु बन के वो पहुंच गया, और वहां से उसने सीता का हरण किया। आप देखिए, एक ब्राह्मण था, ज्ञानी था, लंकापति था, फिर भी पाप का प्रवेश हुआ। इसलिए जप की एक प्रक्रिया जहां अपने द्वार के ऊपर ताला लगा दीजिए, जप का ताला। जब आप राम बोलो तो मुंह बंद होता है, कृष्ण बोलो मुंह बंद होता है, मुंह बंद करते हुए हम जप जपते हैं, आंख बंद हो जाती है, कान हमारा हम जो बोले वो ही सुनता है, जो हम गलत कुछ आहार खाते हैं उतना समय हमारा बंद हो जाता है, हमारा चित्त भागता है वो रुकता है, यानी चित्त जो चला जाता है उड़ता है, जो चित्त उड़ते हुए चित्त के पंख को काटने के लिए स्मरण, नाम स्मरण दोनों जरूरी है, नाम बोलना और उसका स्मरण करना दोनों जरूरी है। मन को स्थिर करने के लिए बार बार नाम के स्मरण में उसको डुबोए रखना वो जरूरी है। अहंकार उठे उसके पहले ही अहंकार को अपनी ओर, उसकी दृष्टि अपनी ओर रखना बहुत जरूरी है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उस बुद्धि को बोध में रखना, उस बुद्धि को संस्कार में रखना ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए रामदास स्वामी ने भी कहा है कि नामे नास्ती टूटी बाधा, कि नाम से हमारे जीवन की बाधा का नाश हो जाता है। चेटे चेट के होती विनाश, कि हमारे जीवन में अगर कुछ मुश्किलें आती है उसका भी विनाश हो जाता है। नाम है होती उत्तम गति, कि नाम से उत्तम गति होती है अंतकाले, ये समर स्वामी रामदास ने कहा। इसलिए आप देखिए, समर स्वामी रामदास ने राम नाम का जप, श्री राम जय राम जय जय राम, ये समर स्वामी रामदास जी का जप है। ये 13 अक्षर वाला जप, श्री राम जय राम, ये 13 अक्षर वाला जप
अपनी साधना के दरमियान उन्होंने 13 करोड़ बार जपा। इसलिए एक संख्या भी दी गई है कि जितने अक्षर है जप के, मंत्र के, उतना करोड़ जाप होना चाहिए। उतना करोड़ बार वो जाप करने से आपके अंदर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। महात्मा गांधी जी, रघुपति राघव राजा राम, जब गुरु नानक अपने काका की दुकान पे बैठे थे, करियाने की दुकान पे, और वहां हिसाब किताब चल रहा था, कुछ पुण्यकाल का उदय होने वाला था, और हिसाब करते थे 11, 12, 13, जैसे 13 शब्द आया वैसे उनके अंदर एक भाव जगह, 13 यानी 13, मैं 13, 13, 13, वो 13 पे अटक गए। 13, 13, 13 का अर्थ हुआ मैं तेरा, तत्वमसि, मैं तेरा हूं, मैं तेरा। और 13, 13 जो हो जाता है, जिसके हम हो जाते हैं, हमारा क्या रहता है? सरिता सागर में घुल जाती है, बाद में सरिता नहीं वो सागर बन जाती है। और जो हाँ 13, 13, 13 जहां हो जाए, तो जिसके लिए हम 13 करते हैं उसका सब मेरा हो जाता है। तो वहां से हुआ 13, और बाद में उनके अंदर जो ज्ञान प्रकट हुआ वो ज्ञान वही था, अयम आत्म ब्रह्म तज्ज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं स्वयं सब कुछ हूं। यह भाव की जहां जागृति हो जाए वहां हमारे में सब सामर्थ्य हो जाता है, हम सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध का अर्थ यही है कि हम ब्रह्मस्मि, मैं वो हूं। यह भाव कि मैं वो हूं हमें पता चलना चाहिए। मैं वो हूं बोलने से नहीं, मैं वो हूं यह हमें पता होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि एक पौधा वटवृक्ष बन जाता है, फल देने के काबिल हो जाता है। जो लड़की जिसकी शादी नहीं हुई वो अपनी माँ को देखती है तो उसे लगता है ये माँ है, उसकी माँ उसे बड़ा करती है, उसका पोषण करती है, उसके संस्कार देती है। और माँ जब संस्कार देती है तो अपनी लड़की को कहती है कि बेटा यहाँ सब सीख ले, जब तू शादी करके किसी और के घर जाएगी तो यहाँ से मैंने तुझे जो संस्कार दिए है उस संस्कार से तेरा जीवन तू जिएगी तो तू पत्नी बन पाएगी, किसी की बहू बन पाएगी, और समय आने पे तू किसी की मां बनेगी। अब आप सोचिए, ये 3 भूमिका हुई। जब लड़की की शादी ही नहीं हुई उसे ये 3 के बारे में क्या पता। हाँ, वो देखती है कि ये माँ है, ये किसी की पत्नी है, ये किसी की बहू है, लेकिन उसे क्या पता कि मैं ये सब मैं भी हूं। आगे जाके ये सब पात्रता मेरे अंदर विकसित होने वाली है, मैं यही बनने वाली हूं, या मैं हूं, जो मैं हूं वो मैं बनूंगी। तब उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन माँ संस्कार देके उसे उसी के लिए तैयार करती है कि ये किसकी पत्नी, योग्य पत्नी बन पाए, ये किसी की योग्य बहू बन पाए, ये किसी की योग्य माँ बन पाए। और जब माँ सिखाती है तब कहती है कि देख, मैंने, तू इतनी गलती करती है फिर भी मैंने तुझे इतना सिखाया। जब और हम अपनी माँ को जब कहते हैं तब वो बोलती है, जब तेरे बच्चे होंगे तब तुझे पता चलेगा। ये क्या होता है ये सब? तुम वो हो उसकी ओर ये आपको ले जाता है। और जब वो शादी करके जब चली जाती है, जब पत्नी बनती है, यही संस्कार उसे पत्नी बना देते हैं, यही संस्कार अपने सास ससुर की सेवा करते हुए उसे बहू बना देते हैं, और जब वो बालक को पैदा करती है अपने आप वो माँ बनती है। यानी उसने सुना था मैं पत्नी हूं, मैं बहू हूं, मैं माँ हूं आगे जाके, लेकिन तब उसे एहसास होता है जो मैंने सुना था मैं ही वो हूं। उसकी भूमिका बदल जाती है, उसे सिखाना नहीं पड़ता कि बालक को कैसे दूध पियाया जाए, बालक को कैसे खिलाया जाए, उसे कैसे बड़ा किया जाए,
सब अपने आप करती है। तो ये होता है ध्यान कि अपने आप पे ध्यान रखे, मंत्र जो किया गया है, कानों में जो दिया गया है उसको जपे। ये करने से सबसे पहले पाप का प्रवेश, पाप का बीजारोपण, जन्म होते ही पाप नष्ट हो जाएंगे। और जहां जन्म होते ही पाप जहां नष्ट हो गए, आपका अंतकरण जहां शुद्ध हो गया, उस अंतकरण में अपने आप पुण्य की प्रवृत्ति होती है। यानी एक बार ध्यान दीजिए कि पाप एक प्रवृत्ति है तो पुण्य भी एक प्रवृत्ति है। हम कुछ करते हैं, चोरी करना पाप, परस्त्री गमन पाप, अनधिकृत वस्तु को छीन लेना पाप, किसी की निंदा करना पाप, किसी के लिए खराब बोलना पाप, बिना वजह बकवास करना पाप, किसी को मारना, किसी की हिंसा करना, किसी को मारना पाप, किसी का धन मुझे मिल जाए वो सोचना पाप, ऐसे 10 प्रकार के पाप है मन वाचा कर्म के। ये जो पाप है ये प्रवृत्ति है, यानी सोचना भी एक प्रवृत्ति है। इसलिए कहा गया कि मन के पाप, किसी के लिए बुरा सोचना मन का पाप, किसी का धन मुझे मिल जाए ये सोचना मन का पाप, ये सब मन के पाप। हमारे वाणी के पाप, जहां हम बोल दे ये भी प्रवृत्ति हो जाती है, जहां हम सोच ले ये भी प्रवृत्ति हो जाती है, जहां हम अपने हाथों से किसी को मार दे ये भी प्रवृत्ति हो जाती है। यानी पाप एक प्रवृत्ति है, तो मेरा मानना है पुण्य फल नहीं है, पुण्य प्रवृत्ति है। पाप प्रवृत्ति है, किसी को मारना प्रवृत्ति है, तो किसी का भला करना यह पुण्य प्रवृत्ति है। यानी पुण्य का जन्म भी मन की भूमिका से होता है, लेकिन पेपर साफ होना चाहिए, हमारी भूमि साफ होनी चाहिए। तो अंदर की जो प्रवृत्तियां है वो पुण्यवादी प्रवृत्ति होगी, अंदर की प्रवृत्तियां पुण्यवादी हो जाएगी। आज आप सोचिए, किसी के लिए अच्छा करने की भावना, किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना, ये सबके बस की बात तो नहीं है। कोई आपके घर पे भूखा आ जाए आप उसको रोटी दे दो, ये आपसे हो जाना ये सबके सब तो नहीं कर सकते। भिखारी को पूछना जब आए तो कि पहले मेरा घर मिला या सबके घर पे जाके आए, ये भिखारी कहेगा कि सब जगह पे जाके आया यहां मिला, या भिखारी कहेगा कि मैं यहां सबको जानता हूं कोई नहीं देगा तुम मुझे दोगी। अब पशुओं को देखिए, गाय को, कुत्तों को, जहां से उसे प्यार से मिल जाता है उस समय पे, उसके लिए भी टाइम का महत्व, उस समय पे वो आपके दरवाजे पे आके खड़े रह जाते हैं। आप जब तक उसको दो नहीं तब तक वो जाएंगे नहीं, बाकी दूसरों के घर क्यों नहीं जाते, पंछी आपकी छत के ऊपर क्यों आते हैं, हर कोई आपके पास क्यों आता है। तो सोचिए, आप जिस धाम में जाते हो, जिस गुरु का हाथ आपके माथे पे है, जिसने आपको संस्कार दिए हैं, उसने आपकी प्रवृत्ति को पुण्यशाली बनाया है, आप कर पा रहे हो। यानी पुण्य कोई फल नहीं है, पुण्य प्रवृत्ति है। जो आपसे कुछ अच्छा करवाए वो पुण्य प्रवृत्ति, वो पुण्य पल। पाप अगर प्रवृत्ति है तो पुण्य भी प्रवृत्ति है। लॉकडाउन के समय पे हजारों लोगों को नवनाथ धाम की ओर से फूड पैकेट दिए गए, ये पुण्य प्रवृत्ति। मेरे अंदर के अंतकरण की जो शुद्धि थी उसने एक पुण्य प्रवृत्ति करवाई, मुझे किसी ने आके कहा नहीं था, लेकिन यहां बैठे बैठे, इसी जगह पे बैठे बैठे मैंने सोचा कि आज का ये समय आ गया है। सोचिए, जिसके पास कुछ नहीं है वो पेट भूखा होगा, मेरे अंदर का जो परमात्मा था उसने उसके अंदर के परमात्मा की भूख मेरे तक पहुंचाई, मैंने किया। और आज आप सब जानते हैं
बड़े बड़े धर्म स्थान थे उधर से ये नहीं हो पाया, लेकिन हमने यहां से किया। अगर आप सोचेंगे तो आप सोच पाएंगे उन्होंने नहीं किया हमने कैसे किया। इसे समझिए, ये पुण्य प्रवृत्ति, मेरे अंदर की जो पुण्य प्रवृत्ति थी वो सदकर्म करते हुए बाहर पहुंची। यानी अगर पेपर साफ हो उसके ऊपर अच्छा लिखा जा सकता है, जमीन साफ हो उसके ऊपर अच्छा से अच्छा बोया जाता है, वैसे ही अंतकरण अगर साफ हो तो परमात्मा आपको पुण्य प्रवृत्ति करने का एक अवसर जरूर देता है। पर ऐसी कई पुण्य प्रवृत्ति हम हमारे ट्रस्ट के द्वारा करते हैं। दुनिया में बाहर मत देखिए, बाहर क्या होता है, कौन क्या करता है, अपने भीतर में झांक के देखिए, अपने गुरु के धाम में झांक के देखिए कि यहां से कितनी प्रवृत्तियां हो रही। ये सब पुण्य प्रवृत्ति लॉकडाउन के समय पे बंद नहीं हुई और आज भी ये सभी प्रवृत्तियां चालू है, जो होता है वो हो रहा है। और उसका एक ही कारण है, हमारे अंदर की पुण्यता। हमारा मन साफ है, जहां पाप आना बंद हो जाएगा वहां अपने आप पुण्य पैदा होगा। वहां यानी पुण्य कोई फल नहीं है, पुण्य प्रवृत्ति है। धर्म की ओर जाने की प्रवृत्ति, धर्म का संवर्धन करने की प्रवृत्ति, समाज को विकसित करने की प्रवृत्ति, संस्कारों का प्रचार करने की प्रवृत्ति, ज्ञान को बांटने की प्रवृत्ति। तो इसीलिए जहां जप हो जाता है वहां पाप नष्ट होते हैं। और इसीलिए बार बार जप करना ये जरूरी है। अगर हम मनुष्य जीवन लेके भी उसका नाम न ले सके, हमारे अंदर बैठा है उसका नाम न ले सके, तो समझ लीजिए कि ये जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और इसीलिए जरूरी है कि हम नाम का जप करें, इष्ट देवता का जप करें, हमारे अंदर आने वाले पापों को रोके, उसका विनाश करें। एक बार एक छोटा बच्चा था, उसकी उम्र 7-8 साल की हुई, उसके माँ बाप अपनी माँ के साथ वो रहता था और घर में जो चलता था वो सुनता था। देखिए हमारे जो बच्चे होते हैं हमारे घर में सब सुनते हैं, हमारे पूरे घर में एक ही श्रोता होता है, वो श्रोता होता है हमारा छोटा बच्चा। हमारे पूरे घर में एक ही दृष्टा होता है, वो दृष्टा होता है छोटा बच्चा, हमारे बच्चे। यानी हम घर में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या खाते हैं या क्या पीते हैं, उसको देखने वाला एक साक्षी है परमात्मा, और वो परमात्मा है हमारा बच्चा। किसी का बच्चा गाली बोलता हो तो माँ बाप, कोई बोलेगा इसके घर में गाली ज्यादा बोलते लगते हैं, इसके माँ बाप गाली बोलते हैं क्या, तू बोलता है, गाली क्या है उसे पता नहीं, अपने माँ बाप जो बोलते हैं उसका वो स्वीकार करता है। कोई छोटा बच्चा आ गया, मानो कि वो नॉनवेज खाता हो, मैं खाता हूं, उसका अर्थ है उसे पता नहीं घर में खाते हैं वो खाता होगा, घर में जो बोलते हैं वो बोलता होगा, घर में जो कहते हैं वो सुनता होगा। यानी ध्यान रहे कि आप क्या घर में, आप जो कुछ हम कहीं नहीं कहते, हम जो करते हैं भगवान देखता है, भगवान देखे ना देखे आपका बच्चा देखता है, और जैसा वो देखता है वैसा वो करेगा। आप गलत करेंगे वो गलत करेगा, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। एक कहानी थी कि एक माँ थी जो चोरी करती थी, बच्चे को लगा यही बराबर है, पूरी जिंदगी बच्चे ने भी चोरी करना चालू किया। वो चोरी करके लाता था, माँ ले लेती थी क्योंकि माँ खुद चोरी करती थी, बच्चे को पता ही नहीं कि चोरी खराब है, पाप है, चोरी परमो धर्म करता जाए। एक समय पे जब वो पकड़ा गया, राजा के दरबार में चोरी की, राजा ने उसको पकड़ लिया और उसको मौत का दंड दिया कि इसको सूली पे चढ़ा दिया जाए। उसको जब सूली पे चढ़ाने के लिए लेके गए तब उसको पूछा गया कि बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। बेटे ने कहा मेरी माँ से मुझे मिलना है। उसकी माँ को लाया गया, मिलवा दिया, अब उसके कान में मुझे कुछ कहना है। बेटे को नजदीक लाया गया,
माँ से गले लगा, माँ रोई, उसे प्यार किया, वो भी रोया। माँ को कहा मुझे कुछ कहना है, माँ ने कहा कहो, कान में कहूँगा। माँ ने कान दिया, उस बच्चे ने उसकी माँ के कान के ऊपर अपनी दांतों से उसके कान को काटा, काट डाला उसके कान को, खून निकल दिया। माँ बहुत जोर से चिल्लाई, सब लोग आ गए, कहा कि तुझे पता नहीं अपनी माँ के कान को काटता है। तब उसने कहा कि मैं तो मरने जा रहा हूं, मैं इसीलिए मैंने मेरी माँ के कान को काटा कि जब मैं छोटा था वो चोरी करती थी, उसने मुझे नहीं रोका, जो करती थी मैंने किया, और उसके कारण आज मैं बहुत बड़ा चोर बना, आज मैं फांसी के तख्ते पे जा रहा हूं। लेकिन मैं उसे इतना ही कहना चाहता हूं, एक बार मुझे कहा होता और मेरे कानों ने सुना होता कि बेटा चोरी मत करना, उसका अंजाम ये होता है, तो आज मैं वहां नहीं होता, इसलिए मैं मरते मरते उसे सबक दे के जा रहा हूं। एक बार मुझे टोका होता तो आज मैं मरता नहीं। आप सोचिए कि हमारे घर का जो बालक होता है ये सब ग्रहण करता है, ये सब सुनता है, जो सुनता है वो स्मरता है, वो पाप होता है, कभी पुण्य बनता है कभी पाप बनता है। तो एक माँ थी, उसके साथ बल का लड़का रहता था, 7-8 साल की उम्र का था, और 7-8 साल की 10 साल की जो उम्र होती है वो कैप्चर करने की उम्र होती है, जहाँ बच्चे सब कैप्चर करते हैं। आपके बच्चे भी 7-8 साल के होंगे, संस्कार उसी समय पे दे देना, अगर उस समय पे आपने संस्कार नहीं दिए तो समझ लीजिएगा बाद में आप उसके लिए कुछ ना भी कुछ करोगे कोई अर्थ नहीं, भगवान को आप नहीं कोस सकते, भगवान को कोस नहीं सकते, आप स्वयं हो उसके लिए भगवान। तो उसके घर में सब बातें चलती थी, और सब बातें चलती थी वो सुनता था, कहीं कई बार ये जीवन का फायदा किया, हमारे घर में बोलते हैं ना जीवन का फायदा किया, उससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, हम मिट्टी में मिल जाए वो अच्छा है, मेरे जीवन में ये हुआ मेरे जीवन में वो हुआ। एक बार उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैंने सब कुछ देखा है, और सब कुछ बोलते हैं मैंने सुना है, सब कुछ देखा है, मैंने सबको देखा, आजू वाले को देखा, बाजू वाले, मैं सबको पहचानता हूँ, लेकिन ये जो सब बोलते हैं कि जीवन का फायदा क्या है, मेरे जीवन में ये है मेरे जीवन में वो है, जीवन को ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, मर जाना चाहिए, तो मुझे ये बता, मैंने जीवन को नहीं देखा, ये जीवन क्या है। तब माँ ने कहा जो तू है ये जीवन है, मैं जो खड़ी हूं ये जीवन है, तू जो खड़ा है वो जीवन है, तो जीवन का उपयोग क्या। तो माँ ने कहा जीवन का उपयोग एक ही है, ये जीवन में भगवान का नाम लेना, कुछ अच्छा करना, जीवन की सार्थकता उसके स्मरण करने से है, और अगर उसका स्मरण न हो पाए तो मर जाने में, मिट्टी में मिल जाने में, जल जाने में। अच्छा, तो जीवन की सार्थकता स्मरण में है, स्मरण में, तो तू भी बड़ा होना, अच्छा जीना, भगवान का स्मरण करना, काम करना, जाओ। ये बच्चे ने सुन लिया। एक बार एक राजा रात को वेश पलटा करके पूरे नगर में घूमने के लिए निकला। राजा घूमता था, देखा राजा ने, तो बच्चे ने माटी के जो खिलौने थे वो बच्चा खेलता था। राजा वहाँ दूर खड़ा रहा, बच्चा देखता था, उस खिलौने को कान पे लाता था, मिट्टी में मिला देता था। अलग अलग प्रकार के खिलौने थे, तोता था, मोर था, आदमी का खिलौना था, औरत का खिलौना था, राजा का खिलौना था, कान पे लगाता था, फेंक देता था, मिट्टी में मिलाता था। राजा ने कहा कि बेटा इतने अच्छे खिलौने, इतने सुंदर खिलौने तू कान पे ले जाता और मिट्टी में क्यों डालता है, क्या फायदा इसका, क्या अर्थ है, उसका कारण क्या है, तुझे क्या ये खिलौने पसंद नहीं है क्या। तब उस बच्चे ने कहा कि मैं खिलौने कान पे ले जाके इसलिए डालता हूं कि खिलौने में कुछ है नहीं, क्यों, तो एक ही कारण है उसका कि ये जो खिलौने हैं ये राजा है,
ये तोता है, देखिए आप बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों को जिंदा मानते हैं, हम बड़े हो जाते हैं इसलिए खिलौने हमारे लिए नाशवंत होते हैं, बच्चों के लिए खिलौने जीवंत होते हैं। यानी छोटी छोटी सी छोटा सा कोई भी खिलौना हो, वो भले हाथी क्यों ना हो मिट्टी का, उसके लिए वो जीवंत हाथी होता है। तो बच्चा कहता है ये खिलौने कोई काम के नहीं है, क्यों काम के नहीं है, तू क्यों उसे फेंकता है, कान पे ले जाके क्या करता है। तो बच्चे ने कहा कि मैं हर एक खिलौनों को उठाता हूँ, ये मैंने आदमी का खिलौना उठाया, आदमी बोलता है, ये खिलौना सब कुछ मेरे साथ बोलता है, मैं उससे सब बात करता हूँ, लेकिन जब मैं कान के ऊपर ले जाता हूँ उसमें से भगवान का नाम नहीं आता, इसलिए मुझे लगता है इसका जीवन मिट्टी है, मैं फेंक देता हूँ। मैं तोते को मेरे कान पर ले जाता हूँ, तोता राम राम नहीं बोलता, मैं उसे फेंक देता हूँ। ये जो खिलौना है राजा का खिलौना है, हमारे देश का राजा उसका खिलौना है, उसके साथ मैं बात करता हूँ, ये सब करता है, लेकिन जब कान के ऊपर ले जाता हूँ राम राम नहीं बोलता, मैं उसे फेंक देता हूँ। क्यों फेंकते हो? तो कहा मेरी माँ ने कहा था जीवन में भगवान का नाम लेना और काम करना, जो जीवन भगवान का नाम नहीं लेता वो मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए इसमें से भगवान का नाम नहीं आता, मैं मिट्टी में मिलाता हूँ। राजा को एक संकेत मिला, राजा ने उस बालक के चरण छुए, एक बोध मिला उस राजा को। साधारण बालक ने असाधारण बातें की, राजा उसकी माँ को मिला, उसकी माँ को नमन किया, और राजा ने कहा कि वेश पलटा करके मैं गांव में क्या चलता है वो देखने के लिए निकला था, आज इस बालक की वाणी ने, इसके ज्ञान ने मेरे जीवन का वेश बदल दिया, मुझे पता चला कि मैं इतना राजा हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भगवान का नाम नहीं, राम का नाम नहीं, मेरे जीवन की कोई प्रवृत्ति ऐसी नहीं जहाँ मैं जीवन को भगवान बना सकूँ। मैं लड़ता हूँ, राज्य लेता हूँ, विकास करता हूँ, लेकिन किसी के जीवन को या खुद के जीवन को भगवान बना सकूँ ऐसा मेरा जीवन नहीं। राजा ने उस बालक के बोध को अपने जीवन में गुरु बनाया। अब देखिए कि कितना महत्व होता है जप का, कितना महत्व होता है नाम का, कितना महत्व होता है हमारे साथ उसके जीवन का। इसलिए यहां मैंने लिखा है कि इष्ट देवता के नाम का दृढ़ विश्वास के साथ जप करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंतकरण शुद्ध हो जाता है और जीवन शांतिमय बनता है। आज शांति की जरूरत है। आप यहां क्यों आते हैं? यहाँ कोई मैं लॉटरी लेके तो बैठा नहीं, यहाँ कोई हीरे जवाहरात तो मिलते नहीं, आप यहाँ क्यों आते हैं? आप यहाँ आते ही है इसलिए कि घर में अशांति है, यहाँ आने के बाद शांति मिले, दर्शन करने के बाद शांति मिले, बैठने के बाद शांति मिले, कुछ सुनने के बाद शांति मिले, प्रसाद लेने के पास जीवन में शांति मिले, शांतिमय होने के लिए आते हैं, अशांतियों से निकल के शांति का जप करते हुए आते हैं, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। और यहां बैठने के बाद, सुनने के बाद, प्रसाद लेने के बाद, दर्शन करने के बाद शांति मिलती है, अंदर जो पाप उठा था एक हफ्ते से वो जल जाता है। बहुत कुछ सोच के आए थे कि हम यहां जाएंगे इस हफ्ते, मेरे मन में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जाके एक बार मैं दादा से पूछ लूंगा मैं करने वाला हूं, लेकिन जब सुनते हैं और सुनने के बाद जो अंदर उठा है वो जल जाता है, आपकी भूमि साफ हो जाती है। तो बोला जाता है ना कि दंडकारण्य में, डांग जिले में जितनी भी भूमि है उसमें कुछ ऐसे उगता नहीं, उसे पहले जला दिया जाता है, भूमि को जलाने के बाद पाक उगता है, ये भी पूरा दंडकारण्य है। एक डंडे के ऊपर खड़ा हुआ ये पूरा शरीर, ये दंडकारण्य, यहाँ जलेगा नहीं वहाँ उगेगा नहीं। और इसीलिए बहुत कुछ सोच के आए थे, ये मांगेंगे, ये कहेंगे, वो करेंगे, लेकिन सुनने के बाद आप मांग नहीं पाते, सब शून्य हो जाता है। और एक हफ्ते के लिए वापस आपको एक ऐसी शांति मिलती है कि यही शांति को ग्रहण करते हुए, एक रिचार्ज होते हुए आप अपने जीवन में एक हफ्ते के लिए कार्यरत हो जाते हैं। वापस जाते क्यों?
गुरुवार को जाने से कुछ हो ना हो मन को शांति मिलती है, यही है फल, शांति में है फल, संतोष में है। पाप और पुण्य प्रवृत्तियां हैं, फल नहीं। और इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के नाम का जाप करे, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका स्मरण करे, अपने आप के ऊपर ध्यान रखे कि कहीं मेरा ट्रैक बदल न जाए, कहीं मेरे विचार बदल न जाए, कहीं मैं बिगड़ न जाऊं। और आपके घर में जो बच्चे हैं उस बच्चे को आज से ही भगवान के मंदिरों में ले जाए, उसे ग्रंथ क्या है उसे समझ में आए, इसके लिए छोटी छोटी कहानी कहे, गुरुवार को यहाँ लेके आए। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके बच्चे अपना जीवन और दूसरों का जीवन संवार देंगे। आज बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ आते हो, बच्चे घर पे बैठते हैं, पढ़ते होंगे, पढ़ते नहीं है, मोबाइल लेके बैठते हैं। केम छोकरा ने आज नहीं लाइवानी, आज बहुत लेसन बहुत तू गरम किए, परीक्षा थी, परम दिवसे पेपर छे, पूरा घर भणे छे, एटू याद रखो मारी दृष्टि तापण छे, पूरा भणता नहीं मोबाइल में लागेला छे, तमारा पूरा मोबाइल में चैटिंग करे छे, ये चैटिंग नहीं आ चीटिंग छे। जे दिवसे थई जशे ने चीटिंग, ते दिवसे तमे कहशो दादा आवुं केवी रीते थई गयुं, अमे तमारी पर विश्वास राखेलो, तमारे तो जोवुं जोईए, हूँ तो जोतो ज छुं अहींया बैठो बैठो। लावता राखो लावता, आज समाजनी गति क्या चाली छे तमे जोजो, अपना धर्मए बधुं बहु व्यवस्थित बतायुं छे। एक एक नाम पण अपना बाळकने एवा राखवामां आवे छे कि कदाच आपणे भगवान नाम भूली गया होय पण अपना बाळकनुं नाम आपणे भगवान नुं राख्युं होय तो ऑटोमेटिक भगवान याद आवे। अजामिल नारायण नारायण बोलतो बोलतो ए तो भोगी हतो, पामी गयो, वालियो लूटारो, राम 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 करता 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 वाल्मीकि ऋषि बनी गयो। કેટલી સરસ સંસ્કૃતિ છે કે બાળકોના નામ પણ આપણે ભગવાનના નામથી રાખીએ છીએ, નદીઓના નામથી રાખીએ છીએ, ધર્મના નામથી રાખીએ છીએ, ગ્રંથોના નામથી રાખીએ છીએ। અને એવા એવા નામ રાખવાથી તમે નામ બોલાવો ને આપમેળે તમારો જપ થાય છે। પણ આજે હું ઘણાને જોયા છે કે નામ બધા ખ્રિશ્ચન નામ રાખીને લાવે, એક છોકરાનું નામ કે કથી પાડવાનું, મેં કીધું પાડશું, ઘણો સમય થઈ ગયો અપાયો નહીં, આવ્યા શું નામ રાખ્યું, તો એમ કે ક્રિસ, એમ કે ક્રિસ એટલે મેં કીધું ક્રિસ, તો એમ કે ઋત્વિક રોશન હતો ને એમ કે એના પર ક્રિસ, પછી પાછા આપણને સમજાવે ક્રિસ એટલે એમ કે તમે પાછો બીજું નહીં સમજતા, ક્રિસ એટલે કૃષ્ણ કહેવાય, કોણે કીધું કૃષ્ણ કહેવાય, એ તો એમ કે એના નામનો અર્થ આવો જ આવે, એમ કે ખોટી વાત છે। કૃષ્ણ અને ક્રિસમાં બહુ ફરક છે, કૃષ્ણમાં ફરક છે, રામમાં ફરક, બધા નામોમાં બહુ ફરક છે। એ પાશ્ચાત નામો રાખવાથી ભલું નથી થવાનું, નામ એવા જ રખાવા જોઈએ આપણી સંસ્કૃતિમાં। જુઓ નામ, કોઈનું નામ રામ, કોઈ કૃષ્ણ, જૂના જૂના નામ તમે જુઓ, શંકર નામ જુઓ, સીતા, કોઈનું નામ પાર્વતી, કોઈનું નામ ગીતા, આ શું નામ છે અદ્ભુત, કે કોઈ ગીતા વાંચી નહીં હોય પણ ગીતા નામ સાંભળે ને એટલે મનની અંદર ગીતાનું સ્મરણ થાય, તો એ આ જપની પ્રક્રિયા છે। કે સહજા સહજ બોલતા બોલતા બોલને સે બી એ નામ કા સુનને સે બી પાપ નષ્ટ હો જાતે। ગ્રંથ આપ પઢો યા ના પઢો, ગીતા પઢો યા ના પઢો, મન મેં સુબહ મેં ઉઠ કે મન મેં સિર્ફ ગીતા કા સ્મરણ કર લો, વંદે ગીતા માતરમ, બસ મનમે સ્મરણ કર લો, અપને આપ પૂરા દિન આપકા શક્તિમય જાયેગા। આપ ગ્રંથો કા દર્શન કર લો, પઢો યા ન પઢો ઉસકા દર્શન કર લો, દર્શન કરને સે ભી દિન કી ખરાબ ઘટનાએ મિટ જાયેગી। ગુરુદેવને જો નામ દિયા હૈ, જો મંત્ર દિયા હૈ, ઉસકા જ્યાદા જપો ન જપો, ટ્રેન મેં જાઓ, ટ્રેન સે આવો, આજુબાજુ સે બાત મત કરો, ઉસ સમય પે વો જપતે રહો, अपने आप आपका जप योग हो जाएगा, अपने आप आपको टाइम से टाइम मिलेगा, और अपने आप वृत्तियां नष्ट हो जाएगी पाप की, पुण्य के पल मिलेगी, तो आप बहुत अच्छा पुण्य का काम कर पाओगे।
इसलिए इष्ट देवता का नाम स्मरण करने से, नवनाथ के जप का नाम स्मरण करने से, दृढ़ विश्वास के साथ नाम स्मरण करने से मेरा अनुभव कहता है, गुरुदेव का अनुभव कहता है कि जीवन में शांति प्राप्त होती है। इसलिए हम सब घर में बैठ के भी नाम जप करें, स्मरण करें, जैसे गुरुवार को आते हैं वैसे आते रहे, हर गुरुवार को विचार गंगा आप सुनते हो सुनते रहे, और जब अब लॉकडाउन खुल जाए जब भी आगे जाके, तब सबको मैं कहता हूँ अपने बालकों को लेके जरूर आइए। बच्चे जैसे बड़े हो जाए उसको दिखा दीजिए कि ट्रेन में ऐसे ऐसे जाना है, जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे आप घर पे बैठेंगे अपने बच्चे अपने आप आएंगे यहाँ। मैंने कई बच्चों को देखा है, बहुत छोटे थे माँ बाप लेके आते थे, आज वो बच्चे बड़े हो गए। मैं पूछता हूँ भाई कैसे आए, माँ आई क्या, बाप आया क्या आपके साथ, नहीं वो तो घर पे है हम ट्रेन से आ गए। देखिए आप, गुरु दरबार दिखाना नहीं पड़ा, आपने बता दिया बच्चे अपने आप यहाँ आते, ये होते हैं संस्कार। जीवन में दुख आए उसके बाद लाने से अच्छा है उसके पहले ही वो अपने आप आते रहे, ऐसा संस्कार दीजिए और इष्ट देवता के नाम का जप कीजिए। 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अजाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई हो तो माफ करना, लेकिन हमारे सद्गुरु ने जो हमें कानों में मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते हम नित्य रूप से हम करते रहे, ऐसी सद्बुद्धि हमें मिले, ऐसी प्रवृत्ति मिले, ऐसी प्रार्थना हम गुरुदेव के चरणों में 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए करते हैं। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीफ मच्छेन्द्रराज चौरंगी रेवाणक भरतवरी सज्ञा भूम्यांब भुर्ननाथ सिद्ध जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ जय जय मच्छेन्द्र समर्थ साननाथ महाराज की जय छोटे दादा की जय। હવે આ પ્રકારનું કેલેન્ડર, આ સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। આ કેલેન્ડરની અંદર કોઈ તિથિ લખી નથી, મહિનાના 31 દિવસ, 31 ફોટા અને 31 વિચાર। જેમ કે આ એક ફોટો પહેલી તારીખ, તો આ પહેલી તારીખનો ફોટો, એમાં એક વિચાર, એવી રીતેના 31 દિવસના 31 વિચાર છે, માટે એમાં કોઈ તિથિ નથી, તમે એને ગમે ત્યાં મૂકી શકો। અને દરરોજનો એક નવો નવો વિચાર ફરતો જાય, બીજા મહિને ફરી પાછો શરૂ થાય। હવે આપણે અહીંયા વિચાર કરીએ કે એક વિચાર આવી ગયો પાછો પાછો એ વિચાર, આ એક જ વિચાર, આ કોઈ એવી દવા નથી કે એક્સપાયરી ડેટ થઈ જાય, બરાબર। આજે તમે જે વિચાર અનુભવી લીધો, આવતા મહિને આ વિચાર તમને નવો લાગશે, એટલે એક વિચાર આખા વર્ષમાં 30 વખત તમારી સામે ફરશે। આ એક સુમિરનનો પ્રકાર છે અને સ્ટેન્ડિંગ કેલેન્ડર છે, જે તમારી આંખની સામે ઊભું જ છે। એમાં અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ ફોટાઓ છે, જે તમે તારીખ સાથે એને કોઈ લેવા દેવા નથી, એને તમે મૂકી રાખો, બારે માસ ચલાવ્યા કરો। તો આ જે કેલેન્ડર છે તે અહીંયા ટેબલ ઉપરથી, શ્રદ્ધામય પુરસાદના ટેબલ ઉપરથી મળી જશે। 150 રૂપિયાની કિંમત રાખી છે, જેણે પણ લેવું હોય તે લઈ જાઓ અને તમારા ઘરે સ્ટેન્ડિંગ છે એટલે ઊભું જ મૂકી દેજો, હું માથે ઊભો જ છું એમ રાખજો, ખાટલો હોય તો ખાટલા પાસે મૂકે, ટીવી હોય તો ટીવીની ઉપર એને મૂકો, બરાબર। તમે જ્યાં મૂકવું હોય ત્યાં માથે મૂકો, ટીવીની ઉપર મૂકો, હા, પણ મને એટલો વિશ્વાસ છે કે કોઈ નીચે મૂકવાનું નથી, બધાએ
गुरुदेव ने माथा पर ज राख्या छे, हृदय में राख्या छे तो ता राखशे, पण माथा पर ज राखजो। एटले तमने एम थाय के अमे हूतेला छे पण दादा माथे बैठेला छे, अने ए वात तो पाकी छे। आटलू बधुं लॉकडाउन थयुं पण हूँ तमारे माथे छू छू ने छू। त्यार पछी बीजी वात के सिद्धांतना रूपमां बधी सेवाओ आवी छे। नीलाबेन चौधरी काकड़वा 20 किलो रींगण, 3 किलो भींडा, सकुबेन गामित 1 तेलनो डब्बो, शैलेषभाई देगाम 5 किलो तुवर, सरगवानी सिंह 5 किलो, उर्मिलाबेन पंडोळ 19 किलो घऊं, 4 किलो चोखा, हसुमतीबेन सोलंकी सचिन 25 किलो घऊं, 25 किलो चोखा, 1 तेलनो डब्बो, अंबाबेन पटेल, कमळाबेन पटेल मसाड 20 किलो चोखा, 2 किलो दाळ। आजनो भंडारो लक्ष्मीबेन शांतिलाल मैसूरिया नवसारी तरफथी, एमना परिवार तरफथी आजनो भंडारो छे। तो आ बधा माटे अने एमना माटे पण भगवान ने प्रार्थना करूँ, बधा तंदुरस्त रहो, बधा सुखी रहो, बधा भक्तिभाव करता रहो। हवे बीजी वात के दत्त जयंती आवे छे 29 तारीखे, पण हजू सुधी सरकारनी कोई एसओपी आवी नथी। आवता अठवाडिया सुधी एसओपी आवी जाए एटले आवता अठवाडिये नक्की करिए कि कई रीते उजवी, अने लॉकडाउन चालू रहे तो पछी बैठा बैठा प्रवचनों तमे त्यांथी जोई शकशो। पण कई रीते उजवी, उजवानी तो छे ज, पण कई रीते उजवी ए आवता गुरुवारे आपणे नक्की करिए। तब तक सभी नाथ भक्त जो वहाँ बैठे है अपना ख्याल रखे। सबको मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश।